और एक पार्टी हमारे बड़े भैया पहला जी की ओर से और मैं आपका वन्नो शर्मा, ये दोनों की ओर से आपके मनोरंजन के लिए कार्यक्रम हमारे चंदेश विजया जी की तरफ से रखा गया है। कोशिश करेंगे कि आप लोगों को आनंद भी आता रहे, लेकिन एक उम्मीद आपसे भी हम दोनों कलाकार ही करेंगे, क्योंकि जब नाम ही इसका जवाबी कीर्तन है तो हम चाहेंगे कि ये कीर्तन के तरीके से ही कार्यक्रम चलता रहे और कीर्तन में ही आप लोगों को आनंद आता रहे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आइए मेरी तरफ से ये जवाबी कीर्तन का पहला दौर प्रारंभ होने के लिए जा रहा है और मैं सबसे करवट निवेदन करूंगा, जो भी इधर उधर खड़े हैं वो आकर के सामने बैठ जाए तो ज्यादा अच्छा लगता है। मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, आप सभी लोग आकर के यथा स्थान बैठ जाएं, अपना अपना स्थान ले लें। धन्यवाद। दिल में बसी गुरुदेव की बस याद हमको चाहिए, मन मंदिर में खिलता चमन आबाद हमको चाहिए। दौलत खजाना ना कोई, जायदाद हमको चाहिए, जितने भी कीर्तन प्रेमी आप सुनने आए हो आपका आशीर्वाद हमको चाहिए। आइए मेरी ओर से प्रथम गीत अखिलेश भैया के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं, गाया है किसी ने। अरे मैंने बदल डाला तकदीर को, रंगों से भर डाला तेरी तस्वीर को, बना डाला मैंने तेरी जिंदगानी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चंद्रेश भाई का। मैंने बदल डाला तेरी तकदीर को, रंगों से भर डाला तेरी तस्वीर को, बना डाला मैंने तेरी जिंदगानी। और कहना है मैं गलियों का राजा तू महलों की रानी, मैं गलियों का राजा तू महलों की रानी, मैं गलियों का राजा तू
प्रथम गीत है मेरी तरफ से और उम्मीद करूंगा भाई अखिलेश जी से जिस तरह का ये गीत है उसी तरह से जवाब उधर से आएगा, आप लोग श्रवण करेंगे। गीत के अंदर तीन कहानियां मैंने डाली क्योंकि किसी महापुरुष ने कभी कहा था चाचा समय समय की बात है, अरे समय समय का फेर, अरे समय बदलने में नहीं कोई लगे जरा सी, क्योंकि पता नहीं जो चीज आज हमारे पास है वो कब हमारी होकर ना होकर के किसी और की हो जाए। इस गीत में ऐसी तीन कहानी लगा रहा हूं और उम्मीद करूंगा उधर से जवाब भी उसी तरह का आएगा। कहना है याद पहले पति की जाके दिल में बसी है, ध्यान देंगे अखिलेश भाई, याद पहले पति की जाके दिल में बसी है, मर्यो पहलो पत तो दूजे यार ते फसी है, मर्यो पहलो पत तो दूजे यार ते फसी है, क्योंकि डरो के सोपे हाकी आंखन को पानी। अब एक नारी है जिसका पहला पति मर गया और उसने दूसरे के साथ रहना प्रारंभ कर दिया, अब पहली नारी वो कौन है? याद पहले पति की जाके दिल में बसी है, पहलो मर्यो तो दूजे यार ते फसी है, क्यों? अरे ढरो बेसो बे हाकी आंखन को पानी, और कौन है वो? अरे मर्यो विराद तो बनी करकटी, विराद नाम का एक राक्षस जिसकी पत्नी का नाम था करकटी, जब विराद मर गया तो करकटी ने दूसरी शादी कर ली किससे? अरे मर्यो विराद तो बनी करकटी कुंभकर्ण की चेरी, दूसरा पति बनाया उसने कुंभकर्ण को, इसलिए ये कहावत है और इसका कोई अधिकार नहीं है, आज जो हमारी है वो पता नहीं कब वस्तु किसी और की हो जाए, इसलिए कहना है अरे मर्यो विराद तो बनी करकटी कुंभकर्ण की चेरी, क्योंकि वो कल और किसी की थी, किसकी थी? विराद की। अब कुंभकर्ण से कहना है वो कल और किसी की थी जो आज हो गई तेरी, वो और किसी की थी जो आज हो गई तेरी, जो कल किसी की थी जो आज हो गई तेरी। विराद के मरने के बाद करकटी ने दूसरा पति बनाया कुंभकर्ण। अब दूसरी कहानी, छोटे बंदर ने बंदर, छोटे बंदर ने बंदर बड़ो मरवायो है, जब छोटे ने बड़े को मरवा दिया तो जो उसकी पत्नी थी उसने क्या किया? छोटे बंदर ने बंदर बड़ो मरवायो है, कौन है ये बंदर? सुग्रीव और बाली। जब सुग्रीव ने बाली को मरवा दिया राम के हाथ तो क्या हुआ? बड़ो मरवायो है, तो जब बंदरिया ने छोटो बंदर जाल में फसायो है,
बाली मर गया तो तारा ने किसका वरण कर लिया? सुग्रीव का। इसलिए कहना है बनी है वो गोरी आज उसकी दीवानी तो अरे दो दो बार दोनों भैयन दे अरे दो दो बार दोनों भैयन दे कर गई हेरा फेरी तो कहना है कल और किसी की थी जो आज हो गई तेरी कल और किसी की थी जो आज हो गई तेरी कल और किसी की थी जो आज हो गई तेरी। दो कहानी हो गई। तीसरी कहानी बगल में चंद्रमा के चाय के विराज गई बगल में जो चंद्रमा के चाय के विराज गई बगल में वो चंद्रमा के चाय के विराज गई गुरु की वो पत्नी संग बाके चेला के भाज गई ओ गुरु की जो पत्नी संग में चेला के भाज गई गुरु की जो पत्नी संग में चेला के भाज गई। किसकी पत्नी? गुरु विश्वपति गुरु की पत्नी और चंद्रमा के साथ चली गई तो अब कहना क्या बना? अरे कटानाक गई बृहस्पत गुरु की जनानी कटानाक गई वो बृहस्पत गुरु की जनानी तो अरे गुरु की ड्राइविंग सीट आज चेला ने आए के घेरी तो कहना बना वही लाइन वो कल और किसी की थी जो आज हो गई किसी की थी वो आज हो गई कल और किसी की थी वो आज हो गई। अब चौथी कहानी राम भक्त है क्यों कैसी दुष्ट ऐसा कर जाए तो बात समझ में आती है लेकिन भगवान का परम प्रिय भक्त होने के बाद भी राम भक्त है क्यों कैसी करनी करी है मां समान भावी फसाए लई मंदोदरी है ओ मां समान भावी फसाए लई मंदोदरी रावण के मरने के बाद विभीषण के साथ रहने लग गई कौन? मंदोदरी। चौथी कहानी राम भक्त है क्यों कैसी करनी करी है मां समान भावी फसाए लई मंदोदरी है तो कहना बना तो पहला को पड़ गई कलम फिर चलानी तो हुआ क्या? अरे बनवारी इन दुष्टन पे अरे बनवारी इन दुष्टन ने पर नारी पे नियत घेरी और शीर्षक वही रहेगा क्या? वो कल और किसी की थी जो आज हो गई तेरी कल और किसी कोशिश करेंगे भाई अखिलेश जी।
जिस तरह की चाहत।